स्वागत है आपका इटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं योर स्टॉक्स। और मुंबई स्टूडियो से प्रशांत और मानसी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू। और चलिए अब शुरुआत करते हैं इस शो की। और इस शो में हम बात करेंगे आपके सवालों की। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो सबसे पहले तरीका बता देते हैं, आप हमें फ़ोन कर सकते हैं या फिर अपने सवाल व्हाट्सएप करिए 9167329108। इस पर आप हमें या तो फ़ोन करिए या फिर अपने सवाल मैसेज करिए। और सोशल मीडिया हैंडल पर भी हम मौजूद हैं, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम के ज़रिए भी आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। तो चलिए, ये तो हुआ सवाल पूछने का तरीका, लगातार आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होता रहेगा। लेकिन सबसे पहले मार्केट का ही चेक ले लेते हैं, उसके बाद एक्सपर्ट्स को भी हम शामिल करेंगे। बाज़ार में इस वक्त रिकॉर्ड लेवल बनने का जो सिलसिला है वो अभी भी जारी है और अब 19,300 के पार निफ्टी कारोबार कर रहा है। एक और रिकॉर्ड लेवल्स और सेंसेक्स और निफ्टी में भी हम देख रहे हैं कि शानदार तेज़ी देखने को मिल रही है और ये दोनों भी अपने रिकॉर्ड हाई पर कारोबार कर रही है। देखिए, निफ्टी आपकी स्क्रीन पर तेज़ी का सिलसिला अभी भी जारी है और करीब करीब 150 अंकों की मजबूती के साथ इस वक्त निफ्टी कारोबार कर रहा है। मार्केट वृद्धि पॉजिटिव है हर एक गिरने वाले शेयर के सामने। लगभग 3 स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। और आज सपोर्ट मिल रहा है बैंकिंग स्टॉक से। दिग्गज बैंकिंग और NBFC कंपनी HDFC और HDFC बैंक, यहाँ पर देखिए 3-3% की तेज़ी है और इस तेज़ी से आज अच्छा सपोर्ट मिल रहा है निफ्टी को भी, बैंक निफ्टी को भी। इसके बाद BPCL 2.5% ऊपर, डीवीज लैब, अल्ट्राटेक सीमेंट, यहाँ पर भी अच्छी मजबूती के साथ कारोबार हो रहा है। वहीं कमज़ोर साइड पर पावर ग्रिड, बजाज ऑटो, हीरो मोटो, टेक महिंद्रा और एक्सिस बैंक में हल्की वीकनेस इस वक्त देखने को मिल रही है। सेक्टर स्पेसिफिक अगर एक्शन देखेंगे तो आज लगभग अगर IT को छोड़ दे जो कि हल्की कमजोरी के साथ कारोबार कर रहा है, सारे ही सेक्टरल इंडेक्स आज हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं और सपोर्ट मिल रहा है ऑयल एंड गैस और मेटल स्टॉक से। तो यह है बाजार का एक क्विक अपडेट हमने आपके सामने रखा। तो हफ्ते का मजबूत कारोबारी सत्र, मजबूत शुरुआत यहाँ पर देखने को मिल रही है। और चलिए अब एक्सपर्ट को भी शामिल कर लेते हैं हमारे साथ। SMC ग्लोबल सिक्योरिटी से सौरभ जैन और प्रिसिशन टेक्निकल एनालिसिस से मंदार जुड़ चुके हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है शो पर। मंदार, सबसे पहले आपसे शुरुआत करेंगे और बाजार पर अपनी राय दीजिए। पहले तो शानदार तेजी देखने को मिल रही है। चलिए, मंदार से संपर्क नहीं हो पा रहा हमारा, तो सौरभ के पास चलते हैं यहाँ से। सौरभ, बाजार में जो हम देख रहे हैं लगातार अब रिकॉर्ड लेवल्स देखने को मिल रहे हैं, आज शुरुआत भी काफ़ी अच्छी हो रही है अब हफ्ते के पहले कारोबारी सत्र की, तो ऐसे में अब मार्केट की चाल आप यहाँ से क्या देख रहे हैं? और तेज़ी एक्सपेक्टेड है और क्या क्या फैक्टर्स इसमें कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे? कौन कौन से सेक्टर पर या फिर स्टॉक्स पर आपकी नज़र है? नमस्कार मानसी जी, शो में बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, सेक्टर्स जो मुझे अच्छे लग रहे हैं वो है कैपिटल गुड्स, बैंक, ऑटो, ये जो 3 सेक्टर हैं ये काफी हद तक लीड कर रहे हैं। और जब जब इकोनॉमिक डेटा थोड़ा सा कुछ अच्छा आता है तो बीच बीच में मेटल और IT भी थोड़ा सा संकेत ऐसे मिलते हैं तो वो भी थोड़ा पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। ओवरऑल मार्केट में पार्टिसिपेशन काफी अच्छा है, खासकर छोटे मझौले शेयर काफी अच्छा कर रहे हैं, लिक्विडिटी फैक्टर भी साथ दे रहा है। ओवरऑल इंडिया की इकोनॉमी का एनवायरमेंट काफी अच्छा है, GST टैक्स कलेक्शन देखिए या नंबर्स देखिए इंडस्ट्री के काफी अच्छे आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो सेक्टर अभी लीडरशिप बनाए हुए हैं वो कंटिन्यू करेंगे, जैसे कि कैपिटल गुड्स, बैंकिंग, ऑटो क्षेत्र में मुझे लगता है आयशर मोटर, महिंद्रा जैसी कंपनियां काफी अच्छा कर रही हैं। इनफैक्ट ऑटो एंसिलरी भी काफी अच्छी, बहुत सारी ऐसी कंपनियां जो बहुत अच्छा कर रही हैं। बैंकिंग क्षेत्र में कुछ तेजी PSU बैंक से भी आ रही है और प्राइवेट क्षेत्र के बैंक काफी अच्छा कर रहे हैं। आज मर्जर के रेशियो आने के बाद HDFC में बहुत अच्छा तेजी देखने को मिल रही है और मुझे लगता है ये तेजी जारी भी रह सकती है। कैपिटल गुड क्षेत्र में लार्सन टूब्रो, तो इस तरह की लीडरशिप मुझे लगता है बाजार को मिलती रहेगी जो बाजार को ऊपर की दिशा में खींचती रहेगी। एब्सोल्युटली, ये बात तो बिल्कुल सही कही आपने सौरभ। इनफैक्ट हम देख रहे हैं ऑटो एंसिलरी की चाल लगातार काफ़ी अच्छे मोमेंटम के साथ, अभी ऑटो बिक्री के डेटा भी आए और एंसिलरीज में चाहे फिर टायर स्टॉक्स हो, एंसिलरी की भी एंसिलरी हो, हर तरफ हम देख रहे हैं काफ़ी अच्छा मूव एक्शन नज़र आ रहे हैं। लेकिन चलिए सवाल जवाब का सिलसिला हम शुरू करते हैं और सवाल पूछने का तरीका लगातार आपके TV स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। हमसे सोशल मीडिया हैंडल या फिर हमारे टोल फ्री नंबर्स पर कनेक्ट कीजिए। उम्मीद करते हैं कि आप हमें कॉल करेंगे और आपके सारे के सारे सवालों के जवाब देने की हम कोशिश करेंगे। पहला सवाल हमारे साथ शिवाजी जाधव महाराष्ट्र से जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। शिवाजी नमस्कार, बताइए आपका सवाल क्या है। शिवाजी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रहे जी जी जी, नमस्कार, बताइए आपका सवाल क्या है। मेरा IRFC से रहे 14,000। ठीक है, हेलो
हाँ जी, हम आपको सुन पा रहे हैं, आप अपना सवाल पूरा कीजिए। हाँ, IRFC शेयर है 14,000, मेरा खरीदे है 23 रुपए। ठीक है, तो हाँ, मेरा जानकारी है कि मैं 8 साल रुकने वाला है, क्या करने का मेरे को? ठीक है, रेलवे स्टॉक्स पर इनका सवाल है सौरभ। IRFC इनफैक्ट रेलवे स्टॉक्स की ही अगर बात करें, रोड इंफ्रा, रेल इंफ्रा पर जिस तरह का कामकाज इनफैक्ट देखने को मिला है, इसके ठीक बाद रेलवे फाइनेंस कंपनियां भी काफ़ी हद तक फोकस में आ चुकी हैं। 14,000 शेयर्स इन्होंने खरीदे, इनके खरीद के दाम 23 रुपये हैं, इनकी खरीद से ऊपर गया है स्टॉक, आप देखेंगे 32 रुपये 85 पैसे पर, तो प्रति शेयर ये मुनाफा भी देख रहे हैं, क्या राय होगी? देखिए, मुझे लगता है कि काफी अच्छी एक कंपनी है, अगर आप फाइनेंशियल्स को देखेंगे काफी स्टेबिलिटी है, वैल्यूएशंस के लिहाज से वैल्यू 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 स्टॉक लगता है, बुक वैल्यू से कम चल रहा है, डिविडेंड यील्ड प्ले भी है, तो मुझे लगता है क्योंकि इन्होंने लंबी अवधि के लिए लिया है तो इसमें बने रहना चाहिए, और इनका जो भाव परचेज भाव है वो काफी नीचे है, मुझे लगता है इन्हें अपने गेम के साथ कंटिन्यू करना चाहिए, यहाँ प्रॉफिट बुकिंग की कोई आवश्यकता नहीं है, साल दो साल के लिए आप इस शेयर में बने रहें। ये राय आपको मिलती हुई इस वक्त नजर आ रही है, लेकिन इस बीच आइए हमारे साथ अब एक कंपनी के मैनेजमेंट भी जुड़े हैं और उनसे बातचीत करते हैं, कॉर्पोरेट चैट एक बार। मजगांव डॉक शिप बिल्डिंग कंपनियों की अगर बात करें, लगातार ऑर्डर बुक का आउटलुक काफी मजबूत नजर आ रहा है, रेवेन्यू स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है, और साथ ही कैपेसिटी लेवल्स और कैश यूटिलाइजेशन पर भी बातचीत यहां पर लगातार होती रहती है, और कई दिनों से हम देख रहे हैं स्टॉक्स में पॉजिटिव मूवमेंट भी आ रही है, और खबरों के दम पर भी ये स्टॉक्स जो है मजगांव डॉक जैसे लगातार एक्शन में रहते हैं। बिजनेस आउटलुक पर विस्तार से बातचीत करते हैं, और बातचीत करने के लिए मजगांव डॉक के CMD संजीव सिंघल हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिस्टर सिंघल, शुक्रिया अपना समय देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए, स्वागत है आपका इटनाउ स्वदेश पर। सबसे पहला सवाल, तो जो आपने रिसेंट कॉन्ट्रैक्ट विन किया है 2,724 करोड़ का इंडियन नेवी से, क्या आगे कोई और रिपीट ऑर्डर्स पाइपलाइन में है इंडियन नेवी की तरफ से, और किस तरह की ऑर्डर बुक ट्रेंडिंग सिनेरियो आप देख रहे हैं अपने लिए? अभी हमको जो ऑर्डर मिला है 30 जून को, यह है मीडियम रिफिट एंड लाइफ सर्टिफिकेशन ऑफ ए कन्वर्टिंग टंकपुश। इसके टोटल इस सीरीज में 4 सबमरीन थी, जिसमें से फर्स्ट 2 सबमरीन SDW जर्मनी ने ही बनाई थी, एंड उनकी सबमरीन नंबर 3 और 4 ये SDW के सहयोग से मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स में बनी थी। इसकी फर्स्ट सबमरीन का MRLC हमारे पास में आया था, जो 2017 का ऑर्डर था, और अभी हम अगस्त 2023 में इसको डिलीवर करने का प्लान करते हैं। एंड ये दूसरा जो हमारे पास में ऑर्डर आया है, ये गेस्टेशन पीरियड लगभग 33 महीने का रहेगा, इसके बाद में सबमरीन 3 और 4 क्योंकि वो हमारे यहाँ ही बनी थी, तो इसके लिए हमको काफी कॉन्फिडेंस है कि ये दोनों सबमरीन भी जब MRLC इनका ड्यू होगा, जो कि सबमरीन के बाद में ड्यू होगा, तो ये भी हमारे पास ही आने की पूरी पूरी संभावना है। जी संजीव सर, प्रशांत बात कर रहा हूँ, और हमने देखा कि जो हालिया प्रधानमंत्री की विजिट थी अमेरिका की, वहाँ पर बड़े पैमाने पर जो हैं डिफेंस डील्स हुई, और बहुत सारा जो ये सेक्टर है जिसमें हम बार बार आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं, और बार बार कोशिश यही है कि हम पूरी तरह से डिफेंस के क्षेत्र में, अब हम एक परिभाषा तो बदल ही रहे हैं, हम एक तरह से इम्पोर्ट चीज़ें कर रहे थे, हम एक्सपोर्ट की ओर अब बढ़ रहे हैं, कैसे बदलेगी तस्वीर ज़रा अगर आप देख पाएँ, और किन चीज़ों पर काम करने की ज़्यादा आवश्यकता आपको नज़र आ रही है? मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि जो हम लोगों का एरिया है, जहाँ तक शिप बिल्डिंग का एरिया है और कन्वेंशनल सबमरीन्स का एरिया है, इसमें प्रधानमंत्री जी के आह्वान के बाद में और उसके पहले भी इनफैक्ट हम लोगों की तरफ से इंडिजिनाइजेशन का, आत्मनिर्भरता के लिए पुरजोर एफर्ट्स थे, और अभी इसको एक नया इम्पिटस मिला है, और सबमरीन के हमने जितने भी पार्ट्स यूज होते हैं, करीब करीब 8,000 कॉम्पोनेंट्स यूज होते हैं करके, अगर उनको इक्विपमेंट्स में ब्रेक किया जाए तो लगभग 165 टाइप के इक्विपमेंट्स हैं जो सबमरीन में जाते हैं, और ये सारे ही 165 इक्विपमेंट्स का इंडिजिनाइज करने का, इसको स्वदेश में ही डेवलप करने के लिए मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स को एक नोडल एजेंसी के तौर पर लेकर के हम इसमें आगे बढ़ रहे हैं। ऑफकोर्स प्राइवेट इंडस्ट्री के सहयोग से इसमें कुछ इक्विपमेंट्स हमने इंडिजिनाइज किए भी हैं, कुछ के लिए हमने ऑर्डर्स इशू किए हैं और कुछ के लिए टेंडर्स स्टेज पर हैं, तो लगभग मुझे लगता है 3 से 4 साल में ये हम लोग काफी अच्छी स्थिति में होंगे, जब ये काफी चीजें इसमें से यहीं भारत में ही बननी शुरू हो जाएंगी।
लगभग इसी टाइप की स्थिति शिप बिल्डिंग के क्षेत्र में भी है, जिसमें ऑलरेडी हम लोगों का जो इंडिजनाइजेशन लेवल है वो लगभग लगभग 73% ऑलरेडी है, और बैलेंस 25% के लिए भी हम इस दिशा में कार्यरत हैं। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम लोग एक मिजेट सबमरीन, मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स एक मिजेट सबमरीन, एक छोटा सबमरीन जो कि 6 पैसेंजर्स कैरी कर सकता है, स्टेल्थ ऑपरेशंस के लिए, स्पेशल ऑपरेशंस के लिए, और रिक्वायर्ड हो तो टूरिस्ट इंडस्ट्री के लिए भी, तो ये डेवलप ऑलरेडी कर रहा है। और जो प्रोग्राम रफ्तार से चल रहा है उसमें मुझे लगता है कि 2024 के एंड तक ये सबमरीन पानी में उतारने के लिए हम लोग सक्षम होंगे। और इसके साथ साथ फुल फ्लेज्ड इंडिजिनस सबमरीन जो पूरी तरह से भारत में निर्मित हो और ये हमारे पास हो, उसकी दिशा में भी काम चल रहा है। और 2028 तक हम लोग समझते हैं कि इंडिजिनस सबमरीन का डिजाइन ये हम लोग खुद डेवलप करने के लिए सक्षम होंगे। बिल्कुल, तो ऑर्डर लुक तो काफ़ी मजबूत यहाँ पर नज़र आ रही है। संजीव जी, इसी से जुड़ा मेरा अगला सवाल होगा। आप सबमरीन के इक्विपमेंट्स के स्वदेशीकरण की जो बात कर रहे हैं, अभी हाल ही में DRDO और LNT ने एक डील साइन की AIP सिस्टम के स्वदेशीकरण की। आने वाले समय में क्या आपको इस टेक्नोलॉजी में भी इंक्लूड किया जाएगा? क्या प्लान्स हैं आने वाले समय में इस पर्टिकुलर इक्विपमेंट के लिए? आपको लगता है कि ये मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स इसमें काफी प्रबल दावेदार है, क्योंकि ये जो AIP सिस्टम जो डेवलप किया है DRDO ने, उसके कुछ कंपोनेंट्स वो LNT के साथ में मिलकर के बना रहे हैं। पर जहां तक AIP प्लग का सवाल है, ये स्कॉर्पियन क्लास की जो 5 सबमरीन हमने डिलीवर की हैं और एक और सबमरीन डिलीवर करने के लिए कगार पर है जो हम नेक्स्ट ईयर तक डिलीवर करेंगे। जब ये सबमरीन मीडियम रिफिट के लिए यहाँ पर नॉर्मल आएंगी हमारे पास में, तो उसमें ये AIP प्लग बीच में सबमरीन को काट करके फिट किया जाएगा। और इसमें हमारी समझ है कि मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स का काफी बड़ा योगदान रहेगा ये एक्टिविटी को कैरी आउट करने के लिए। आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे, एक तो ऑर्डर बुक काफ़ी स्ट्रांग है आपकी, लेकिन ये स्ट्रांग ऑर्डर बुक को फुलफिल करने के लिए क्या पर्याप्त कैपेसिटी है हमारे पास, और क्या किसी तरह के कंस्ट्रेंट्स आप फेस कर रहे हैं? अगर हाँ, तो उसे किस तरह से ठीक करने की, प्रिवेंट करने की कोशिश है? देखिए, हमारे पास कंस्ट्रेंट्स किसी भी तरह के नहीं है। अगर आप कैपेसिटीज की बात करेंगे तो कैपेसिटीज में कन्वेंशनल सबमरीन हम एक साथ 11 सबमरीन हमारे एग्जिस्टिंग यार्ड में बना सकते हैं। इसके अलावा हम साथ साथ 10 शिप्स भी, वॉर शिप्स भी साथ साथ बना सकते हैं। तो इस तरह से हमारी टोटल कैपेसिटी जो है वो लगभग लगभग 21 जहाजों की है, 11 सबमरीन और 10 जहाज। इसके अलावा जो तो हम मुंबई में जहां पर अभी हम स्थित हैं, इससे लगभग 9 से 10 नॉटिकल माइल्स दूर पर नावा शेवा में हमारा लगभग 37 एकड़ का प्लॉट है जो हमारा फ्री होल्ड प्लॉट है, एंड जिसके डेवलपमेंट के लिए भी हम लोग काम शुरू कर, एक फ्लोटिंग ड्राई डॉक का ऑर्डर हमने ऑलरेडी प्लेस किया है जो लगभग 500 करोड़ का है और करीब करीब 27 महीने में हमारे पास में अवेलेबल होना चाहिए। तो एंड जो भी कोई कंस्ट्रेंट्स आएंगे, जहां तक कैश की पोजीशन है, मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स अच्छा हेल्दी कैश बैलेंस है, तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई कंस्ट्रेंट है जिसको पार पाने के लिए हमको कोई परेशानी होगी। एंड अगर कोई कंस्ट्रेंट आएगा विद रिस्पेक्ट टू कैपेसिटी या विद रिस्पेक्ट टू डायमेंशंस, तो उसके लिए जो इन्वेस्टमेंट्स रिक्वायर्ड होंगी वो हम करने में सक्षम हैं। सिंगल आपके बुक ऑर्डर बुक्स जो हैं, आपके PNLs जो हैं, वही ये सारी की सारी बातें बयां करते हैं, और कोई कंस्ट्रेंट्स इस वक्त है भी नहीं है। उम्मीद भी करते हैं कि आगे भी इसी तरह से मजगांव डॉक एंड शिप बिल्डर ग्रोथ करता चले। अपना समय देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया, हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया, आने वाले क्वार्टर्स के लिए आपको ढेरों शुभकामनाएं। मजगांव डॉक एंड शिप बिल्डर्स आज हम देख रहे हैं करीब 5% की मजबूती दिखा रहे हैं। पिछले एक महीने के चार्ट्स को देखेंगे तो करीब 30% की तेजी स्टॉक ने दिखाई, और 6 महीने में 50% तक के अपमूव यानी कि रिटर्न्स इस स्टॉक ने आपको दिया, और एक साल में अगर देखेंगे तो 300% प्लस रिटर्न्स मजगांव डॉक एंड शिप बिल्डर्स के चार्ट्स में नजर आए हैं। तो क्लियरली लगातार हम देख रहे हैं इस कंपनी के कारोबार में, स्टॉक प्राइस में एक पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिल रही है। इनके ऑर्डर बुक जो है वो काफ़ी पॉजिटिव हैं, करीब 5 गुना हो चुके हैं इनकी ऑर्डर बुक FY 23 के रेवेन्यूज़ को अगर ध्यान में रखें,
उन रेवेन्यूज के स्ट्रक्चर से, और ये क्योंकि फ्रेट डिस्ट्रॉयर्स सबमरीन्स को लेकर फ्रिगेट्स को लेकर जो कंपनी को ऑर्डर्स मिले हैं उससे काफ़ी हद तक स्ट्रेंथ यहाँ पर कंपनी को मिल रही है। लेकिन चलिए एक चार्ट चेक भी लेते हैं, हमारे साथ हमारे अगले गेस्ट टेक्निकल एक्सपर्ट भी जुड़ गए हैं, मंदार भी हमारे साथ। मंदार गुड मॉर्निंग। मजगांव डॉक एंड शिप बिल्डर्स के मैनेजमेंट से अभी हम बात कर रहे थे, स्टॉक में एक पॉजिटिव मूव लगातार हम देख भी रहे हैं और आज के सत्र में भी करीब 5-5.5% की तेजी है, टेक्निकली चार्ट चेक कर बताएं। गुड मॉर्निंग। देखिए मुझे लगता है कि स्टॉक में ठीक है, मंदार से हम संपर्क नहीं कर पा रहे हैं, टेक्निकल ग्लिच है। मंदार कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज। हाँ जी बताइए। देखिए मैं कह रहा था कि मजगांव डॉक में एक बहुत ही बढ़िया सा मूव हमने देखा है, यानी पिछले एक साल में ही अगर देखते हैं तो ये स्टॉक 230 रुपए से ऊपर में 1330 रुपए तक चल चुका है। तो मुझे लगता है कि अभी ये लेवल्स पे थोड़ा सा स्ट्रेच्ड है, नो डाउट अबाउट इट कि पॉजिटिव चीजें हैं। तो मुझे लगता है कि जब तक बिजनेस अच्छा है तब तक ये स्टॉक ये लेवल्स पे होल्ड कर पाएगा। सिर्फ एक ही चीज है कि अगर किसी को फ्रेश बाइंग करनी हो तो ये लेवल्स पे सलाह नहीं होगी फ्रेश बाइंग की, क्योंकि अभी तो ये करंट लेवल्स पे थोड़ा सा स्ट्रेच लग रहा है। यहाँ पे कंसोलिडेशन से गुजरने दीजिए, फिर उसके बाद हम देख सकते हैं। तो जब करेक्शन की हम बात करते हैं तो दो चीजें होती है, एक तो प्राइस करेक्शन होता है और दूसरा टाइम करेक्शन होता है। तो प्राइस करेक्शन कब होता है, जब प्राइस बिजनेस से आगे भाग जाता है तब प्राइस करेक्शन होता है। तो उसके बिजनेस अगर अच्छा है तो प्राइस करेक्शन नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन टाइम करेक्शन तो होना ही होना है। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक अगले कुछ महीने यही लेवल्स पे, यानी 1150 और 1350 इस तरीके का रेंज होगा इस स्टॉक के लिए, और ये रेंज में ट्रेड करेगा। इसलिए फ्रेश बाइंग की तो एडवाइस नहीं है, लेकिन जिसके पास है उन्होंने 1150 के स्टॉप लॉस से पोजीशन होल्ड करनी चाहिए। बिल्कुल, और लगातार आपके कॉल्स और बाकी चर्चाओं की तो हो रही है, लेकिन एक खास सेगमेंट हमने शुरू किया है, ऑप्शन की दुनिया में आपकी जोरदार कमाई हो तो उसका एक खास सेगमेंट, चलिए अब उसकी बात करते हैं, ऑप्शन के चैंपियन की। और हमारे इस खास सेगमेंट ऑप्शन के चैंपियन को बताने के लिए कैटलिस्ट वेल्थ के प्रशांत सावंत हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत जी बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाव स्वदेश में, बताएं क्या है आज आपकी चॉइस। जी गुड मॉर्निंग। एक स्टॉक जो मैं ट्रैक कर रहा हूँ वो है HDFC लाइफ, इसमें काफी अच्छे डिप आए हैं, यहाँ पे मैं स्ट्रेट कॉल बाइंग की सलाह दूंगा। इसकी जो 670 स्ट्राइक प्राइस की जो कॉल ऑप्शन है करीबन 14 के आसपास चल रही है, इसको आप बाय कर सकते हो। आप स्टॉप लॉस 8 और 9 के बीच 8.5 आप मान के चलो रख सकते हो, और आपका जो टारगेट होगा वो 25 तक आप मान सकते हो। 25 क्रॉस करके आपको 30 के लेवल भी मिल जाएंगे, बट 25 होने पे मेरी सलाह होगी कि आप पेयरिंग स्टॉप लॉस 20-21 के आसपास लाइए और पोजीशन होल्ड कीजिए फॉर टारगेट्स अराउंड 30। ओवरऑल पैटर्न काफी पॉजिटिव है, मुझे लग रहा है यहाँ से मोमेंटम आ सकता है। ठीक है, तो प्रशांत सावंत की सलाह HDFC लाइफ, यहाँ पर आपको ऑप्शन की रणनीति बनानी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए और खास सलाह के लिए। लगातार आपके स्क्रीन पर ऑटो बिक्री के आंकड़े आ रहे हैं और उसका रिएक्शन भी हम स्टॉक्स में देख रहे हैं, इनको हम बाद में थोड़ा और रिव्यू करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच सबसे पहले दर्शक को शामिल कर लेते हैं, वो हमारे साथ पुणे से जुड़े हैं संजय जी। संजय जी नमस्कार, किस स्टॉक पर सवाल है आपका पूछिए। मैडम नमस्ते, मेरा EKC पे पूछने का था। हेलो हेलो जी संजय जी, सवाल पूछिए अपना, हमें आवाज आ रही है आपकी। एवरेस्ट कांडो सिलेंडर पे पूछने का मैडम, मेरा 181 का बाइंग है, 225 क्वांटिटी है, तो उसमें कब लिया था, रिकवर होएगा निकल जाना चाहिए। चलिए 181, ये काफी पहले की खरीद लग रही है, थोड़ा आवाज में डिस्टरबेंस हो रहा है तो इनका सवाल ले लेते हैं। 181 पर इन्होंने लिया होता और ऐसा लग रहा है काफी पहले की खरीद है, थोड़ा गिरावट में इन्होंने स्टॉक में एंट्री करने की कोशिश की थी लेकिन उसका फायदा इनको हुआ नहीं क्योंकि वहां से भी स्टॉक थोड़ा नीचे आ गया, हालांकि अब ये रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। सौरभ जी एवरेस्ट कांटो पर क्या राय बन रही है आपकी, अभी ये जो तेजी आ रही है निचले स्तरों से अब रिकवरी तो दिखाई दे रही है, बट 181 के लेवल्स ये क्या दोबारा दिखेंगे और या फिर आप किसी उछाल में इनको निकलने की सलाह देंगे स्टॉक से।
देखिए 181 के भाव कब तक मिलेंगे ये कहना काफी मुश्किल है, लेकिन ऑपरेशनल परफॉर्मेंस में थोड़ा सा काफी बेटर देखने को मिल रहा है। एक्चुअली कमोडिटी कॉस्ट कम आने की वजह से लास्ट क्वार्टर में हमने देखा कि मार्जिन इंप्रूवमेंट हुआ है, बॉटम लाइन वापस ग्रीन में आ गया है जो कि पहले रेड में था। तो कॉस्ट प्रेशर्स हल्के हो रहे हैं और डिमांड जो है वो कंपनी के लिए स्टेबल है। मुझे लगता नहीं कि इन रेटों पर इन्हें निकलना चाहिए। मुझे लगता है जून तिमाही के नतीजे एक बार और देखे और मैनेजमेंट की कमेंट्री सुने कि उन्हें आगे क्या लगता है, तब डिसीजन ले। फिलहाल के लिए होल्ड रखें है, वैसे ही आप नुकसान झेल रहे हैं तो एग्जिस्टिंग पोजीशन को होल्ड कीजिएगा। हो सकता है आने वाले दिनों में कुछ कॉर्पोरेट एक्शन ना के चलते स्टॉक में एक पॉजिटिव मूवमेंट आए, उस मूवमेंट पे एक बार आप निकलने के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन उस वक्त फिर से एक बार रिव्यू कीजिएगा, हमसे सवाल पूछे उस समय हम आपको एक बार राय देंगे। एग्जिस्टिंग पोजिशन को इस वक्त आप होल्ड कर रखें, ये राय आपके लिए एवरेस्ट काउंटो पर। हमारे साथ इंस्टाग्राम के जरिए गुंजन जैन जुड़ी और उन्होंने एक सवाल पूछा है। सवाल है भारतीय एयरटेल पर, मंदार 10 शेयर्स की खरीद भारतीय एयरटेल की गुंजन ने की है, अपने एंट्री लेवल्स जो खरीदारी के स्तर हैं 823.88 रुपये बता रही हैं, करीब 500-550 रुपए का मुनाफा है इस वक्त। भारतीय एयरटेल के स्टॉक प्राइस को अगर आप देखें 874-881 की एक रेंज है आज की दिन की रेंज जिसमें ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ आप देखेंगे। अदरवाइज ऑल्सो 628-888 की एक रेंज है जो कि पिछले 6 महीने से इसी रेंज के इर्द गिर्द भारतीय एयरटेल के स्टॉक प्राइस में मूवमेंट हमने देखी है। इन्होंने जो खरीद की है 823 के स्तर पर की है, करंट मार्केट प्राइस को देखते हुए आपकी राय क्या होगी गुंजन के लिए मंदार? देखिए आपने सही कहा, बहुत ही सही लेवल्स आपने बताए, इंट्राडे में भी ये रेंज बाउंड है फिलहाल, और अगर पोजिशनल ट्रेड भी देखते हैं यानी डेली चार्ट भी अगर देखते हैं तो उस तरीके का एक रेंज काइंड ऑफ अ ट्रेड इस स्टॉक में देखने को मिलेगा। लेकिन जब आप ओवरऑल चार्ट देखोगे यानी पिछले अगर 1.5-2 साल का अगर चार्ट देखते हैं तो आपको दिखेगा कि स्टेडी अप मूव में है ये स्टॉक, एक स्टेडी अप ट्रेंड में बना हुआ है, हायर टॉप हायर बॉटम करते हुए ऊपर चल रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर इनका अगर शॉर्ट टर्म व्यू है तो यस ये लेवल्स पे पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग जरूर कर सकते हैं, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म व्यू है तो एक स्टेडी अप मूव में है, जब तक ये अप मूव में बना रहता है तब तक इस स्टॉक में पोजीशन बनी रखनी चाहिए। और मुझे तो लगता है कि ये लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में स्टॉक जरूर होना चाहिए। इसका जो ऊपर का टारगेट यानी इसमें जो फॉर्मेशन बना था 2021 में मल्टी ईयर मल्टी टॉप ब्रेकआउट जिसे हम कहते हैं, 10-14 साल के बाद ये ब्रेकआउट बना था, तो इस तरीके का फॉर्मेशन जब भी बनता है तब स्टॉक एक मल्टी बैगर बनता है। तो इसका जो ऊपर का टारगेट है वो 1100 से 1200 तक का टारगेट है, लेकिन उसके लिए और समय है यानी 1-1.5 साल अगर आप होल्ड करते हो तो वो टारगेट्स के लिए ये स्टॉक एम कर सकता है। तो मुझे लगता है कि अगर शॉर्ट टर्म व्यू है तो आप पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म व्यू है तो पोजीशन होल्ड करनी चाहिए। इसमें जो स्टॉप लॉस होगा वो 800 का होगा, 800 का स्टॉप लॉस होगा, 800 के स्टॉप लॉस से आप पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए गुंजन पहले आपको तय करना होगा शॉर्ट टर्म व्यू है या लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म है तो पार्शियल प्रॉफिट बुक कीजिएगा, लेकिन एक्सपर्ट की एडवाइजी के लंबी अवधि के लिए इसको बनाकर रखें। अगर लंबी अवधि तक जुड़े रहेंगे तो 1200 तक के टारगेट्स में मिल सकते हैं, तो ना लॉन्ग टर्म बेसिस पोजिशन को इंटैक्ट रखी जा सकती है। का जो सिलसिला है, जो दर्शकों के सवालों का सिलसिला है वो हम शुरू करते हैं एक बार फिर से। मनमोहन राठी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं कोलकाता से। मनमोहन राठी साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश में, पूछें अपना सवाल। मेरा HDFC और गॉडरी फिलिप्स पर सवाल है जी। मेरे पास HDFC 100 शेयर है, गॉडरी फिलिप्स 50 शेयर है जी। मंदार बताएं क्या करना चाहिए अगर हम HDFC को देखें तो इस वक्त मुनाफे में ही है और HDFC बैंक तो आज बेहतरीन तरीके से रैली दिखा रहा है, क्या होगी HDFC बैंक पे इनको सलाह? और तो और चार्ट्स अगर देखते हैं तो दोनों बहुत ही बढ़िया लगते हैं, तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म की व्यू से पोजीशन होल्ड करनी चाहिए। और वैसे अगर देखा जाए तो पिछले 1.5-2 साल में इस स्टॉक दोनों स्टॉक में कंसोलिडेशन हमने देखा है, HDFC और HDFC बैंक। तो कंसोलिडेशन के बाद जब भी मूव बनता है तो अच्छा खासा मूव बनता है, तो मुझे लगता नहीं कि ये थकने वाली लेवल है। अभी तो मूव स्टार्ट होगी जब दो एक कंपनी हो जाएंगे, उसके बाद एक बढ़िया सा मूव मुझे लगता है देखने को मिलेगा, तो पोजीशन तो होल्ड करनी चाहिए। दूसरा जो इनका स्टॉक है गॉडफ्री फिलिप्स, शायद इनका क्वेश्चन था, तो 1650 और 1640 ये सपोर्ट लेवल्स हैं स्टॉक के लिए।
तो एग्जिस्टिंग पोजीशन जो है वो 1600 के स्टॉप लॉस से पोजीशन होल्ड करनी चाहिए। अब पिछले 8-10 महीने से ये स्टॉक कंसोलिडेशन में चला हुआ है, तो जब भी कोई स्टॉक एक कंसोलिडेशन में बनता है तब सपोर्ट और रेजिस्टेंस इस तरीके के दो लेवल्स को ये रिस्पेक्ट करता है और दो लेवल्स के बीच में ट्रेड करता है, तो उसी तरीके का एक ट्रेड इस स्टॉक में भी देखने को मिलेगा। फिलहाल सपोर्ट पे है तो इसलिए होल्ड है व्यू। ऊपर में कहाँ तक चल सकता है तो 1800-1850 ये लेवल्स तक चल सकता है। तो ये लेवल्स का दोनों लेवल्स यानी सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स जो है इनका यूज करके आप स्विंग ट्रेड इसमें जरूर कर सकते हैं, और जो एग्जिस्टिंग पोजीशन है उसकी जो बाइंग प्राइस है वो आप कम कर सकते हैं। यानी सपोर्ट पे आप बाय कीजिए, 1600 का स्टॉप लॉस रखिए, ऊपर में ये चलता है 1750-1800 वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कीजिए। इस तरीके की स्ट्रेटेजी यूज करके आप आपकी जो ओरिजिनल बाइंग प्राइस है वो कम कर सकते हैं। इसमें ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है, ट्रेंड अभी भी ऊपर का है, इसलिए पोजीशन होल्ड करनी है, 1600 का स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, तो मनमोहन जी उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया हो। ओके, तो चलिए दोनों स्टॉक्स पर एक राय, 2% तक की तेजी एचडीएफसी बैंक में, लेकिन मार्केट में इस वक्त अगर आप देखेंगे अच्छी खासी मजबूती के साइंस नजर आ रहे हैं। 19,300 के लेवल्स हम देख चुके हैं निफ्टी पर, इन्हीं लेवल्स के इर्द गिर्द इस वक्त निफ्टी ट्रेड करता हुआ, ऊपरी स्तरों से हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग, लेकिन इस प्रॉफिट बुकिंग को बिल्कुल ना देखें क्योंकि हमने 19,336 के स्तर तो देखे ही हैं। इसके अलावा बैंक निफ्टी को अगर आप देखेंगे 45,175 के स्तर पर करीब 450 अंकों की मजबूती यहाँ पर भी नजर आ रही है, और सेंसेक्स में हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट 400 पॉइंट्स की गेंस यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ब्रॉडर मार्केट इंडेक्सेस जिसकी लगातार हम बात करें वहां से काफी हद तक एक्शन है ही, और स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स या निवेश के नजरिए की अगर बात करें तो इन पर जरूर नजर रखनी चाहिए। लेकिन एक बड़ी चीज जो कि बड़ा इवेंट आज हुआ है वो है आज से एसजेएक्स निफ्टी गिफ्ट निफ्टी बन गया है। इसी खास मौके पर एक एक्सक्लूसिव इंटरेक्शन के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर निकुंज डालमिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओवर टू यू निकुंज। थैंक यू मानसी, और हमारे साथ आशीष चौहान साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। चौहान साहब, ये तो मिठाई खाने और खिलाने का समय है, एसजीएक्स अब गिफ्ट निफ्टी हो गया है, सिंगापुर से आकर के इंडिया में आ गया है, तो अगर हम एक सिंपल भाषा में समझें तो इसका क्या महत्व है? धन्यवाद निकुंज जी, आज आपके सभी दर्शकों को भी गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं। और जो सिंगापुर में निफ्टी का ट्रेडिंग होता था, क्योंकि एक्चुअली सिंगापुर में पहले भारत में जब अप्रूवल आई निफ्टी ट्रेडिंग की, डेरिवेटिव ट्रेडिंग की, उसके पहले ही सिंगापुर उसका लाइसेंस ले चुका था एनएससी से, और इसी की वजह से वहां पर ट्रेडिंग पहले शुरू हुआ। और कई एफपीआई जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, उसको उस समय हम एफआईआई कहते थे, वो लोग कई लोग जो है भारत में खुद का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना चाहते हैं, तो वो लोग सिंगापुर के द्वारा ट्रेडिंग करते थे और आज तक करते आए थे। पिछले 10 साल में एक हमने एक मानसिकता बनाई थी कि जो भारत का मेन इंडेक्स है, करीब भारत का मार्केट अब $3.6 ट्रिलियन हो चुका है, विश्व में चौथे नंबर पर है, अमेरिका चाइना और जापान के बाद भारत का चौथा नंबर मार्केट में आता है, और भारत के जो मार्केट है उसका जो प्राइसिंग सुबह या रात को जो डिसाइड करता है वो फॉरेन का मार्केट करता है, तो थोड़ा हमारे लिए एक हानिकारक भी हो सकता है। इसकी वजह से ये स्ट्रेटेजिक भी एक था कि उसको इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर में लेके आए, जिससे फॉरेनर्स भी वहां पे ट्रेड कर सके, डॉलर में ट्रेड कर सके, जो भारत में वो सुविधा उपलब्ध नहीं है। भारत में कैपिटल अकाउंट कंट्रोल भी है, जबकि ये IFSC नाम की सुविधा 2014 के बाद बननी चालू हुई, और उसके वहां गिफ्ट सिटी में हमने बहुत प्रयास किए कि एसजीएक्स के द्वारा निफ्टी को ट्रेडिंग गिफ्ट सिटी में करा जाए, तो उसके फलस्वरूप आज पूरा का पूरा जितना भी सौदे विश्व में से कोई भी सिंगापुर में, सिंगापुर एक्सचेंज पे डालना चाहता है निफ्टी में, वो सौदा आज गिफ्ट सिटी में आना चालू हो गया है, और यहीं पर मैच होता है। एनएससी ने यहां पर एक नई एक्सचेंज की रचना की है, उसका नाम है एनएससी इंटरनेशनल एक्सचेंज, जहां पर ये सौदे आकर के उनके कंप्यूटर में मैच होते हैं, नहीं कि सिंगापुर में। और जो प्राइसिंग है वो सिंगापुर के जो ट्रेडर्स हैं, विश्व भर के जो ट्रेडर्स सिंगापुर के द्वारा ऑर्डर डालते हैं, और भारत के कई जो ब्रोकर से 60 से अधिक ब्रोकरों ने गिफ्ट सिटी में भी अपना एक सब्सिडियरी बनाया हुआ है, और वो 60 ब्रोकर और उनके विश्व भर के क्लाइंट्स डायरेक्टली भी इसी में ट्रेड करके एक बहुत बड़ी लिक्विडिटी बना रहे हैं। करीब जो सिंगापुर का टोटल ओपन इंटरेस्ट था सिंगापुर और गिफ्ट NSEIF का, वो करीब $9.4 बिलियन है। अब सुबह से लेकर के अभी तक करीब $500 मिलियन का ट्रेडिंग आज हो चुका है,
अभी तो 4-5 घंटे भी नहीं हुआ, सुबह 6:30 बजे शुरू किया था हमने, 21 घंटा ट्रेड करने वाला ये मार्केट, सुबह 6:30 लेकर के अगले दिन सुबह करीब 2:45 बजे तक ये ट्रेड करने वाला है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण घटना हुई है भारत के इतिहास में, कि जो कई लोग मुझे कहते हैं कि आपने भारत का जो खोया हुआ कोहिनूर था, जैसे निफ्टी को कई लोग कहते हैं कि भारत का कोहिनूर से बहुत बड़ी चीज है, $3.6 trillion का मार्केट कैप जो देश का है, उसका प्राइसिंग मॉर्निंग का और इवनिंग का आप वापस गिफ्ट IFSC में भारत के रेगुलेशन के तहत लेके आए हो, तो बहुत बड़ी बात है और मैं भी मानता हूं कि एक अभूतपूर्व घटना हुई है। चौहान साहब, कुछ साल पहले एक कंसर्न थी कि भी SGX की जो वॉल्यूम थी वह निफ्टी से ज़्यादा हो चुकी थी और उस पर लेकर के कंसर्न्स हमने देखा था, कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं, तो क्या अब इस जो इशू को अब कंप्लीट तरीके से पूर्ण विराम लग जाएगा? एक तरह से जो निफ्टी का जो ट्रेडिंग फ्यूचर्स का जो है वो आज भी गिफ्ट सिटी में आज से को बोलो जो डोमेस्टिक एरिया से थोड़ा ज्यादा इसलिए भी होने वाला है क्योंकि डोमेस्टिक एरिया में STT जो है वो एक तरह से फ्रिक्शन की भूमिका अदा करता है, जिससे लोग ऑप्शंस में ज्यादा ट्रेडिंग करने का पसंद करते हैं, जबकि गिफ्ट सिटी में यहां पर किसी तरह का STT नहीं है, GST नहीं है, और इवन यहां तक कि 10 साल 15 में से पहले 10 साल में आप जब जो भी 10 साल का पीरियड सिलेक्ट करते हो उसमें इनकम टैक्स भी नहीं है, और फॉरेनर्स के लिए तो जो फॉरेन से ट्रेड कर रहे हैं उनके लिए तो इनकम टैक्स वैसे भी नहीं है। तो उस हिसाब से ये एक तरह से क्योंकि यहां पर STT नहीं है तो फ्यूचर्स ट्रेड करना आसान है, फ्यूचर्स इजी टू हेज है, जबकि ऑप्शंस में बहुत सारे कॉम्प्लेक्सिटीज भी होते हैं, और इसी वजह से SGX में भी फ्यूचर्स का ट्रेडिंग ज्यादा था, और मुझे लग रहा है कि गिफ्ट में भी आगे जाकर भी जो फ्यूचर्स का ट्रेडिंग ज्यादा रहेगा। ऑप्शन का ट्रेडिंग स्वाभाविक है कि इंडिया में ज्यादा है डोमेस्टिक एरिया में NSE पे, और इवन ओपन इंटरेस्ट आप गिनेंगे तो यहाँ पे करीब 75,000 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट आज गिफ्ट सिटी में बन चुका है, जबकि डोमेस्टिक एरिया में टोटल ओपन इंटरेस्ट हम गिनेंगे फ्यूचर्स ऑप्शन सब मिला के तो इससे करीब 12 से 20 गुना ज्यादा हो जाता है कई बार। तो भारत में ऑफकोर्स ट्रेडिंग ज्यादा है लेकिन ऑप्शंस में बहुत ज्यादा है और फ्यूचर्स में उतना ज्यादा नहीं, इसलिए हमें कई बार लगता है कि निफ्टी का ट्रेडिंग बाहर ज्यादा होता है, बट ये हकीकत नहीं है। तब क्योंकि अब SGX निफ्टी गिफ्ट निफ्टी हो गया है तो आपको क्या लगता है जो अंडरलाइंग वॉल्यूम है गिफ्ट निफ्टी के अंदर SGX निफ्टी में जो हिस्टोरिकल होती थी उससे कहीं ज्यादा बढ़ सकती है? मुझे ये आशा है क्योंकि जो भारत के स्टॉक ब्रोकर्स है वो भी गिफ्ट में आ चुके हैं, करीब 60 ब्रोकर्स ने अपनी ट्रेडिंग शुरू कर दी है NSE/IX पे, 40 और नए ब्रोकर्स जो भारत में ऑलरेडी ट्रेडिंग करते हैं उन्होंने भी गिफ्ट सिटी में डॉलर के यहाँ पर जो ट्रेडिंग होता है वो डॉलर में होता है, वो अलग ज्यूरिसडिक्शन माना जाता है और यहाँ पर कई कायदे जो है भारत के लागू नहीं होते, या तो कायदे लागू होते तो थोड़े उनके अंश ही लागू होते, पूरे कायदे लागू नहीं होते क्योंकि ये इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन के लिए बनाया है, हांगकांग के साथ, सिंगापुर के साथ, दुबई के साथ कॉम्पिटिशन के लिए इसको बनाया, इसलिए उनके तहत उनकी तरह का हमारा जो रेगुलेशंस यहाँ पे रहता है, इसी की वजह से मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आगे जाकर के विश्व भर से लोग जो छोटी कंपनियां हैं वो भी जो अमेरिका में यूरोप में उनका लिस्टिंग एक तरह से इकोनॉमिक नहीं है उनको, वो भी गिफ्ट सिटी में आके यहाँ पे लिस्ट कर सकते हैं, इंडोनेशिया की कंपनियां ऋण भी यहाँ पे जमा कर सकते हैं, ऐसी कई चीजें जो गिफ्ट सिटी में आगे होने जा रही है, हालांकि भारतीय प्रोडक्ट्स जो है वो ज्यादा हावी रहेगी उसमें, ऋण भी आजकल डेट जो है कॉरपोरेट डेट ऑलरेडी 75 बिलियन से अधिक डॉलर का ऋण ऑलरेडी लिस्ट हो चुका है, तो ऐसी कई चीजें जो है वो गिफ्ट सिटी को आगे जाकर के एक विश्व में बेहतरीन IFSC इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर के जोन में लेकर के जाएगा। अब गिफ्ट निफ्टी 21 घंटा ट्रेड करेगा और 21 घंटा 24 में से करीब 80% है, तो क्या एक अर्ली इंडिकेशन है कि भाई NSE भी अपने ट्रेडिंग आज बढ़ा सकता है?
पहले भी अपनी इस पे चर्चा हुई है निकुंज जी, और हमने एक ब्रोकर्स की कमेटी का गठन किया था वर्किंग ग्रुप का, और उन्होंने अपने एक तरह से निष्कर्ष पे आ चुके हैं कि किस तरह की ट्रेडिंग होनी चाहिए, कौन सी प्रोडक्ट्स होनी चाहिए, कैश मार्केट लंबी अवधि के लिए होना चाहिए कि सिर्फ डेरिवेटिव्स होना चाहिए, और कब से कब शुरू होगा, कब खत्म होगा, वो सब के ऊपर वो लोग ने अपना एक मंतव्य बना लिया है। आगे जाकर के और जो ब्रोकर की लार्जर बॉडी है उसमें भी हम उसको पेश करेंगे, और एक निष्कर्ष निकलता है, सभी का मन बनता है, तो हम सभी के पास भी लेके जाएंगे और आगे जाकर के लंबी अवधि के लिए भारत में डोमेस्टिक एरिया में भी लंबी अवधि के लिए ट्रेडिंग का सोच रहे हैं। तो चौहान साहब, इस डिसीजन पे फाइनल मोहर कब लगेगी, हाँ या ना? अभी तो हाँ ना दोनों चल रहा है। जब तक हाँ नहीं होती है तब तक हाँ ना लगेगा, लेकिन क्योंकि वर्ल्ड उस तरफ जा रहा है, ऑटोमेशन भी उस तरफ जा रहा है, तो कहीं ना कहीं तो हमें भी उस तरफ जाना पड़ेगा। हम जब छोटे थे तो हमारे गांव में दोपहर को 12 से 4 बजे लोग दुकान बंद करके सो जाते थे। आज कोई भी दुकान बंद नहीं करता है क्योंकि समय का तकाजा है, सभी को रखना पड़ता है, भले कस्टमर आए कि नहीं आए। वैसे ही हम सभी को जो लंबी अवधि के लिए काम करना सीखना होगा, लेकिन एक सहमति बनती है तो और अच्छा लगता है, तो उसी की वजह से हम सभी मेंबर्स को साथ में लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं। तो चौहान साहब, क्योंकि आप हाँ पर ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं, ना पर कम दे रहे हैं, क्या हमें ईटीन और स्वदेश में अब नए लंबे वर्किंग आवर्स की तैयारी ज्यादा कर लेनी चाहिए? नहीं, स्वाभाविक है कि भारत में एक तरह से विकसित देश नहीं है, विकासशील देश है, तो स्वाभाविक है कि हमें सबको ज्यादा काम करने की आवश्यकता है। जो काम करते हैं उससे ज्यादा अधिक मात्रा में अधिक अवधि तक हमें काम करना होगा, तब जाके हम विकसित बनेंगे। तो स्वाभाविक सिर्फ स्टॉक मार्केट में नहीं, हर जगह पे हर भारतीय को मेहनत करने की आवश्यकता है। और तो मुझे लग रहा है कि स्टॉक मार्केट तो फिर भी आसान है क्योंकि हमें कंप्यूटर्स पे मोबाइल पे काम करना पड़ता है, लेकिन बाहर जो फिजिकली भी काम करते हैं सभी लोग बहुत मेहनत करते हैं आजकल। मैं लोगों को याद दिलाना चाहूँगा कि कोविड के अंदर किस प्रकार से हमने काम करा था, और विकास और काम की भागीदारी हमेशा चलती है। ग्लोबली अगर आप देखें तो जितने भी विकसित देश हैं उनके जो फ्यूचर्स हैं वह प्राय राउंड द क्लॉक ट्रेड करते हैं, तो अगर हमें दुनिया से अलाइन होना है, क्योंकि हमारा जो मार्केट है अब वो चौथी नंबर पर है, उम्मीद करते हैं 3 और 2 पर आए, तो एक प्रकार का लाइफस्टाइल चेंज है। एक ज़माना था जब स्टॉक मार्केट 10 बजे चालू होते थे, फिर 9:15 चालू हुए, काफ़ी हो हल्ला उस समय भी हुआ था, मगर मार्केट अब आई थिंक उस डिसीजन को वेलकम करता है, तो हमें उसी स्पिरिट में रखना चाहिए। मगर चौहान साहब, आज मिठाई खाने का खिलाने का दिन है, क्या खुशी की बात है, SGX अब गिफ्ट निफ्टी हो गया। धन्यवाद सर, और आपके सभी दर्शकों को भी गुरु पूर्णिमा की भी बधाई और गिफ्ट निफ्टी की भी बधाई। थैंक यू वेरी मच सर। निकुंज, वेरी इंटरेस्टिंग इंटरेक्शन। इनफैक्ट NSE के MD CEO आशीष चौहान गुजरात से के अहमदाबाद से गिफ्ट निफ्टी के इनॉग्रेशन के बाद हमारे साथ इनडायरेक्टली उन्होंने बोल दिया कि वर्किंग आवर बढ़ेंगे, कब बढ़ेंगे वो पता नहीं, उन्होंने पहले वर्ड में ही स्वाभाविकता जहां ऐड किया, हां बोला ना, पर फोकस नहीं करा। हमें उम्मीद, मैंने हां ना चल रहा है, जब तक डिसीजन नहीं होगा हां ना चलता रहेगा, मैं हां जल्दी हो सकता है, ठीक एक्सचेंज हो जाएगा। तो सर, आपका एक्सपर्ट व्यू क्या कहता है, मतलब टाइम बढ़ेगा तो कोई ऐसी उम्मीद अगर लग रही है तो कुछ कोई एक डेट, कोई महीना अगला? बहुत मुश्किल है प्रशांत बोलना, इसलिए क्योंकि ये जो बात है कई समय से चल रही है। देखिए, मुझे याद है 2010 में या 2011 में 9:55 पे आपको जो मार्केट खुलता था 9 बजे चालू हुआ, उसी को इम्प्लीमेंट करने में 2 साल लगा। सबने बोला जी हमें 2 शिफ्ट करनी पड़ेगी, हमें 3 शिफ्ट करनी पड़ेगी, हर हम कैसे पहुंचेंगे। पर उस समय और अभी में टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा चेंज आ गया, हम कोविड में सब काम करते थे, और मेरा ये मानना है कि जहाँ पर विकास है वहाँ पर मेहनत है, और जंगल में भी मंगल हो सकता है एज लॉन्ग एज द यू नो कंट्रीज इज बेनिफिटिंग। आपका साइज बड़ा हो चुका है, आप एक FII डोमिनेटेड भी अब मार्केट है, तो आप जब 3:30 बजे बंद हो जाते हैं दुनिया के सूचकांक चलते रहते हैं, और हमने देखा है कि कोविड, यूक्रेन वॉर, किसी को भी हेजिंग की ऑप्शन नहीं मिलती है, तो दैट इज स्लाइटली अनफेयर। तो अगर SGX ट्रेड कर रहा है तो यहाँ भी ट्रेडिंग होनी चाहिए। अक्सर हम क्या होता है सैटरडे संडे जाते हैं 3:30 बजे बाद चले जाते हैं, बोलते थे जी SGX निफ्टी जो गिफ्ट निफ्टी है, अजी इतना ऊपर खुलेगा इतना नीचे बंद होगा, वो
एक चीज मैं जरूर उम्मीद करूंगा कि छुट्टी के दिन ट्रेडिंग नहीं होनी चाहिए, छुट्टी के दिन भी ट्रेड करता है, मगर उसके अलावा तो ट्रेडिंग आवर मेरे हिसाब से लॉजिकली अगर आप ग्लोबल मार्केट्स को देखें बिल्कुल, तो हमारा जो ट्रेडिंग अवधि है वो काफी कम है कंसिडरिंग अ साइज एंड द नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन. एब्सोल्युटली, चेंज इज इनेविटेबल, इनेविटेबल, बदलाव के साथ बदलना जरूरी है. शुक्रिया निकुंज इस एक्सक्लूसिव इंटरेक्शन को ड्राइव करने के लिए. तो चलिए, ऐतिहासिक पल है आज से, एसजेक्स निफ्टी गिफ्ट निफ्टी बना है, NSE IFSC पर गिफ्ट निफ्टी में ट्रेडिंग शुरू हो चुकी है और इस खास मौके पर आशीष चौहान हमारे साथ एक्सक्लूसिव इंटरेक्शन के लिए जुड़े. पार्टिसिपेंट्स जो हैं गिफ्ट निफ्टी 50, गिफ्ट निफ्टी बैंक, फाइनेंशियल सर्विसेज और IT के साथ शुरुआत कर पाएंगे, उसके बाद स्लोली एंड इवेंचुअली जो है और इंडेक्सेस भी रोल आउट होंगे. इसी नोट पर एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं. ब्रेक के उस पार सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा, आप बने रहें. No one in my family is a lawyer, so I wanted to be the first future-ready law professional in this legally advanced world. And to be a top lawyer in today's age needs a hand-on training and experience. Yes, I'm talking about Bennett University's 5-year law program. Social media, AI, crypto, NFT, moot court training from first year, internships in High Court and Supreme Court. Bennett completely redefined the meaning of the word law. That's what is preparing me today. Senco Gold Limited, a pan-India jewelry retail company with a fourth-generation entrepreneur in the jewelry industry as promoter of the company, now makes an initial public offer of equity shares of face value of 10 rupees each for cash at a premium. The 100% book-built offer being offered in a price band of 301 to 317 rupees per equity share. Opens July 4th, closes July 6th, 2023. For other details and risk factors, refer to the Red Herring Prospectus. टैक्सी वाले को नहीं मिलती आपकी लोकेशन, तो सिग्नेचर ग्लोबल है ना, ले लीजिए स्मार्ट डिसीजन. Senco Gold Limited, a pan India jewelry retail company with a fourth generation entrepreneur in the jewelry industry as promoter of the company, now makes an initial public offer of equity shares of face value of 10 rupees each for cash at a premium. The 100% book built offer being offered in a price band of 301 to 317 rupees per equity share. Opens July 4th, closes July 6th, 2023. For other details and risk factors, refer to the Red Herring Prospectus. Strong processes and risk management help you achieve your goals steadily and sustainably. Nippon India Mutual Fund. Wealth sets you free. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. स्वागत है आपका. ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं योर स्टॉक्स, और जैसा कि हमने कहा था कि अब सवालों का जो सिलसिला है वो हम शुरू करते हैं. बीके शुक्ला साहब हैं जिन्होंने फेसबुक के जरिए अपना सवाल हम तक पहुंचाया है, और इनका सवाल है कि इन्होंने सुजलॉन एनर्जी के 1000 शेयर लिए हुए हैं 15 रुपए के भाव पे. और सौरभ आपके पास आना चाहेंगे, हमेशा से बड़े सवाल रहे हैं जब भी दर्शक हम तक ये क्वेरीज पहुंचाते हैं, तो सुजलॉन को लेकर जो राय रहती है एक्सपर्ट्स की वो बहुत ज़्यादा जो है हमेशा बहुत क्लियर रहती है, फिर भी फिलहाल चार्ट्स को देखकर आप क्या राय देंगे? देखिए, चार्ट तो मैं नहीं देखता हूँ, लेकिन एक टर्न अराउंड स्टोरी दिख रहा है सुजलॉन में. अभी रिसेंटली इन्होंने कुछ ऑर्डर भी बैक किए हैं, थोड़ा सा डेट कम हो रहा है. हालांकि देखने वाली बात यह है कि प्रमोटर की हिस्सेदारी बहुत कम है, नेगेटिव नेटवर्थ है. तो देखिए, ये शेयर रिकमेंडेशन में तो कभी भी नहीं रहता है, पर क्योंकि इन्होंने लिया हुआ है तो मुझे लगता है कि अभी कुछ समय और रख सकते हैं, क्योंकि एक टर्न अराउंड स्टोरी टाइप दिख रहा है सुजलॉन. टर्न स्टोरी का कैंडिडेट बनता हुआ सुजलॉन आपने लिए हैं, जिन स्तरों से वहां से ऊपर गया है और आज भी हम देख रहे हैं करीब 10% की तेजी. बड़ा ट्रेडिंग ट्रेडर्स फेवरेट काइंड ऑफ अ स्टॉक है सुजलॉन. पोजीशंस को इंटैक्ट रखे राय आपके लिए. हमारे साथ एक लाइव कॉलर दिल्ली से जुड़े हैं, सुदेश. नमस्कार सुदेश, बताइए आपका सवाल क्या है. सर, मेरे पास 302 रुपए भी हो चुका
पे मुझे क्या करना चाहिए? ठीक है, वेदांता के स्टॉक पर मंदार इन्होंने सवाल पूछा है। एक्चुअली अगर आप देखें तो आज के सत्र में ही जो स्टील बिजनेस में जिस तरह के नए डेवलपमेंट्स आते हुए दिखे हैं, रिव्यू की जो खबर आई थी ओवर दी वीकेंड, उसके ठीक बाद वेदांता के स्टॉक प्राइस में एक मूवमेंट तो देखने को मिला है। अगर इनकी खरीदारी के स्तर की बात करें, इन्होंने 100 शेयर्स खरीदे हैं, 302 अपने खरीदारी के लेवल्स ये बता रहे हैं। करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से करीब 2500 रुपये का नुकसान है, 279-280 के लेवल्स पर इस वक्त वेदांता ट्रेड करता हुआ। आपकी राय क्या होगी? देखिए, पिछले अगर चार महीने से अगर देखते हैं तो बहुत ही नैरो रेंज में ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। नीचे में 270 से लेके 280 इस तरीके का सपोर्ट बना हुआ है, ऊपर में 290 से लेके 300 तक का रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो एक बहुत ही इनडिसिजन काइंड ऑफ अ फेज से गुजर रहा है पिछले चार महीनों से। अब सपोर्ट लेवल्स पे है, इसलिए तो राय रहेगी कि फिलहाल तो होल्ड करना है। इसमें जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 265 का होगा, 265 के स्टॉप लॉस से पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। मुझे लगता है अगर ये सपोर्ट को इसी तरीके से रिस्पेक्ट करते रहा तो इनका बाइंग प्राइस तो ज़रूर मिलेगा, यानी ऊपर में 295-300 के लेवल्स हमें शॉर्ट टर्म में यानी अगले 2-3 महीनों में देखने को ज़रूर मिल सकते हैं। तो वहाँ पे फिर से एक बार रिव्यू कर सकते हैं कि आगे का ट्रेंड क्या होगा, लेकिन फिलहाल एक इनडिसीजन का फेज है, 265 के स्टॉप लॉस से पोजीशन होल्ड करनी है। बिल्कुल, तो यहाँ पर इस बीच हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, वी दास हैं कोलकाता से और इनका सवाल हम तक पहुँचा रहे हैं। वी दास साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका, पूछें अपना सवाल। धन्यवाद। टेम्स को शेयर है 35 शेयर 700 में लिया है, वो तो 2 साल हो गया, तो इसको क्या रहेगा कि छोड़ देगा, बोलिए तो अच्छा होगा। ठीक है, ठीक है, तो कैम्प्स के इनके पास 40 शेयर हैं, 2700 के भाव पे इन्होंने लिया है और अच्छे खासे घाटे में इस वक्त चल रहे हैं। सौरभ जी, क्या होगी इनको राय? देखिए, कैम्प्स एक स्टेबल बिजनेस है, एक स्टेडी बिजनेस है, लेकिन वैल्यूएशन के लिहाज से थोड़ा महंगा लगता है। रिसेंटली स्टॉक ने अंडर परफॉर्म भी किया है लार्जली, मुझे लगता है कि क्योंकि वैल्यूएशन स्ट्रेस्ड है। ओवरऑल मुझे लगता है कि बिजनेस ठीक है, आप बने रहेंगे तो आपके भाव आ सकते हैं, मेरे हिसाब से आप होल्ड करें। क्या, तो आपको बेहतर राय यहाँ पर मिलती हुई, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे सौरभ मंदार आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों के सवालों पर बेहतर सलाह देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। इसके साथ ही हमारे साथ इस चर्चा में इतना ही, और मुझे और मानसी के साथ ही हमारी पूरी टीम को और हमारे साथ हमारी सभी पूजा भी दिल्ली से जुड़ी हुई थी, हम सभी को दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए ईटी नाउ स्वदेश। नमस्कार, नमस्कार।